हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे गूजे। तो बहुत ही खस्ता गूजे बनकर तैयार होंगे। इस प्रकार के हम गूजे बनाएंगे, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं गूजे की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने एक कटोरी पिसी हुई शक्कर ली है, एक कटोरी मैंने गेहूं का आटा लिया है और एक कटोरी हम मावा लेंगे। अब हम कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखेंगे। तो मैंने 4 चम्मच घी डाला है। अब घी में हम छानकर आटा डालेंगे। मैंने आटे को छान लिया था, तो हम मैदे की छन्नी से आटा छान लेंगे और हम इसको भूनेंगे। तो हमको इसको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है। यदि हम तेज पे भूनेंगे तो हमारा आटा जल जाएगा। तो देखिए हमारा कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो हम इसको निकाल लेंगे, हमारा आटा भुन चुका है। तो अब इसी में हम मावा भी गरम करेंगे। हमको मावा को भूनना नहीं है, केवल हमको गरम करना है। तो हम अच्छे से इसको गरम कर लेंगे। तो हम मावे को भी भून लेंगे, थोड़ा सा गरम कर लेंगे। तो हम गूजा भरने के लिए मिश्रण तैयार कर रहे हैं ये। तो देखिए अब हमारा मावा भी अच्छे से भुन चुका है, हमने गरम कर लिया है मावा को। और अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। हम अच्छे से मिलाएंगे, मावा और आटे को मिलाना है। तो मैंने 1 कटोरी शक्कर ली है, आप 1.5 कटोरी शक्कर भी डाल सकते हो, क्योंकि मैं थोड़ा कम खाना मीठा खाना पसंद करती हूँ, इसलिए मैंने इसमें शक्कर कम डाली है। आप ज़्यादा भी डाल सकते हो। और इस प्रकार का लड्डू जैसा बनने लगे इस प्रकार का हमें बनाना है। और अब हम इसमें इलायची पाउडर डालेंगे। और अब हम इसमें गरम घी डालेंगे। तो मैंने घी को भी गरम कर लिया था। आपको घी गरम करके ही डालना है। और इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। तो मैंने अचार, चिरौंजी, किशमिश और काजू और बादाम सबको आपको काट लेना है। काटने के बाद आपको डालना है और अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। इस मिश्रण को कसार के नाम से भी बोलते हैं कि हम कसार के गुजे बना रहे हैं, तो इसको हम कसार भी बोल सकते हैं। और अच्छे से मिला लेंगे। ये गुजे खाने में बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत स्वादिष्ट लगते हैं। देखिए इस प्रकार से हमारा लड्डू जैसा बनने लगे, इस प्रकार का हमको कसार तैयार करना है। तो देखिए अब हम इसको रख देंगे और अब हम मैदे को सानेंगे। तो मैंने 1 कटोरी मैदा लिया है, जिसमें मैंने 1 चम्मच घी डाला है। ज़्यादा घी नहीं डालना है, लेकिन आटे में सानते समय हमें कुछ बातों का ध्यान देना पड़ेगा, तभी हमारी जो गूजे हैं वो अच्छे बनेंगे। तो हमको आटे को पहले कड़क तैयार करना है, एक डो अच्छा कड़क वाला तैयार करना है। तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने पानी डाला, एकदम से हमको मैदे में पानी नहीं डालना है, नहीं तो हमारा डो अच्छे से तैयार नहीं होगा। तो देखिए अब कड़क डो तैयार कर लिया। अब हम इसको नरम करेंगे। तो हमको पानी डाल कर ही इसको थोड़ा सा हाथ में पानी लगा कर हम इसको सानेंगे, नरम करेंगे इसको। तो जब हम इस प्रकार से, देखिए मैंने थोड़ा सा ही पानी छिड़का है और इस प्रकार से हम गूथेंगे, तो इसको हमको करने में 3-4 मिनट का समय लग जाएगा। तो इस प्रकार से हम गूथते जाएंगे। इस प्रकार से जब हम पूरी बेलेंगे तो हमारी पूरी भी, जो गूजे की पूरी, बहुत अच्छी बेलेगी और खस्ता भी तैयार होगी। तो हम इस प्रकार से इसको गूथेंगे, फिर हम थोड़ा सा पानी छिड़केंगे, एकदम से पानी नहीं डालना है। तो इससे हमारी जो आटा तैयार होगा वो बहुत अच्छा आटा बनेगा। कई बार हम देखते हैं कि जो आटा है, जो हमारे गूजे हैं, वो पूरी जैसे बन गए हैं। तो क्यों बन गए? क्योंकि हमारा आटा अच्छे से सना नहीं था, इसलिए हमारे गूजे की जो पूरी है, वो जो ऊपर की पपड़ी है, वो पूरी जैसी लगेगी। तो देखिए अब हमारा आटा तैयार हो चुका है। तो देखिए हम इसकी लोई बनाएंगे। तो बड़े आसानी से लोई बन जाएगी। देखिए कितने अच्छे से हम इसको तोड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छे से हमारी लोई बन जाएगी। देखिए बिल्कुल भी आटा नहीं चिपक रहा हाथ में,
हमें इसी प्रकार से आटा बनाना है। तो इसमें एक कटोरी में कम से कम हमारे 10-15 गुजिया बनकर तैयार होंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम लोई बनाकर रख लेंगे, तो हम सारी लोइयां बना लेंगे और इसको हम एक कपड़े से ढक देंगे ताकि हमारी लोई ख़राब ना हो। और हम थोड़ा सा आटा भी लेंगे, मैदा लिया है मैंने, और इसको हम लोई को ढक देंगे ताकि हमारी जो लोई है वो ख़राब ना हो। और हम थोड़ा सा आटा लगाएंगे और इसको बेल लेंगे, तो बड़े आसानी से बेल जाएगी ये। तो देखिए हम इस प्रकार से बेल लेंगे। जब हमारा आटा अच्छा सनता है तो हमारी जो पूरी बन रही है गुजे की, वो बहुत अच्छी पूरी हमारी बनकर तैयार होगी। तो देखिए कितने अच्छे से बन गई है। इसी प्रकार से हम सारी बना लेंगे। देखिए मैं एक और आपको बनाकर बताती हूँ। तो देखिए मैंने एक और पूरी बेल ली है। अब हम इसको भरेंगे, तो मैं आपको दोनों प्रकार से भरकर बताऊंगी। सांचे से भी भरेंगे हम। तो देखिए सांचे में हम इस प्रकार से पूरी रखेंगे और थोड़ा सा हम मिश्रण को लेंगे और इस प्रकार से दबा देंगे, देखिए, और हम इसको पलट देंगे पूरी को। तो हम कैसे पलटेंगे, थोड़ा सा हम किनारों पे पानी लगा लेंगे ताकि हमारा जो गुजा बने वो बढ़िया किनार चिपकी रहे। जब हमारी किनार चिपकी रहेगी तो हमारा गुजा कढ़ाई में नहीं टूटेगा। तो देखिए इस प्रकार से हम दबा देंगे और हम इसको दबाएंगे तो हमारा गुजा बड़े आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए हमारा गुजा बन चुका है। हम जो साइड में किनारे हैं उसको हटा देंगे। इसकी भी हम फिर से लोई बनाकर गुजे को बना सकते हैं, जो हमारा एक्स्ट्रा आटा निकला है। तो देखिए अब हमारा कितना अच्छा गुजा बनकर तैयार है। देखिए अब मैं आपको हाथ से बनाकर बताती हूँ। तो मैंने जो दूसरी पूरी ली है उस पर हम क्या करना, आधे हिस्से में हमको कसार को रखना है मिश्रण को, और आधे हिस्से में हमको नहीं रखना है। तो हम आधे में रख देंगे और हमको इसी प्रकार से रखना है ताकि हम मोड़ें तो हमारी जो पूरी है वो आसानी से हमारी जो मुड़ जाएगी बढ़िया आसानी से। और इसको हम थोड़ा सा दबा देंगे, देखिए किनारे से हमने दबा दिया है। तो जब हमारे पास सांचा नहीं होता है तो हम इस प्रकार के गुजे बना सकते हैं और ये गुजे बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए एक किनार उठाकर हमको मोड़ना है, फिर किनार को उठाना है और फिर मोड़ना है, किनार को उठाना है फिर मोड़ना है। तो हम इसी प्रकार से करते जाएंगे तो हमारा बहुत अच्छा गुजा बनकर तैयार होगा। अच्छा इस प्रकार का गुजा कढ़ाई में भी नहीं टूटता है और बहुत सुंदर लगता है देखने में। तो हाथ से इस प्रकार का गुजा हम बना सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा हमारा गुजा बनकर तैयार हुआ है डिजाइन वाला। तो इस प्रकार से हम सारे गुजे बना लेंगे। अब कढ़ाई में घी गरम करने के लिए रखेंगे। तो मैंने पहले से ही घी गरम करने के लिए रख दिया था, तो हम मीडियम फ्लेम पर ही रखेंगे। और बीच बीच में हमको लो भी करते जाना है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारे जो गुजे हैं वो सफ़ेद कलर के नहीं बनेंगे, बिल्कुल वाइट नहीं बनेंगे और पूरी जैसे बन जाएंगे। इसलिए आपको तेज पर कभी भी गुजे को नहीं तलना है। यदि तेज आंच पे हमने तल दिए गुजे को तो हमारे गुजे अच्छे नहीं बनेंगे। तो हम जब मीडियम आंच पे और लो आंच पे हम इनको तलते हैं तो हमारे सफ़ेद कलर के बहुत अच्छे गुजे बनकर तैयार होते हैं। तो देखिए इस प्रकार से तो हम सब गुजे को इसी प्रकार से बना लेंगे। तो अब हमारे गुजे बनकर तैयार है। और यदि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब हमारे गुजे बनकर तैयार है।